सबसे पहले तो मैं उदयपुर खबर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और मुझसे जानकारी मेरे बारे में चाही। देखिए, मैं शॉर्ट में आपको ये बताऊंगा कि मैं राजनीति मेरा कोई लंबा समय नहीं हुआ। मैं भाजपा से जुड़ा हुआ जरूर था लंबे समय से, लेकिन 2005 में मुझे डूंगरपुर में नगर परिषद में उपसभापति बनने का मौका मिला और जनप्रतिनिधि होने के नाते जब मुझे 2015 में पुनः सभापति बनने का मौका मिला तो मैंने बहुत सारे कीर्तिमान बनाए, क्योंकि अक्सर शहर के लोग हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि शहर बिल्कुल साफ सुथरा हो, सड़कें अच्छी हो, पानी की कमी नहीं हो, सड़कों पर लाइटें जलती रहे और बाग बगीचे हमारे आधुनिक युग के हिसाब से जैसे बाग बगीचे होने चाहिए वैसे होने चाहिए। पर्यटक स्थल हमारे बहुत अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए। देवी देवताओं के मंदिर अच्छे होने चाहिए, उनमें सफाई, उनमें लाइटें। और कई काम ऐसे थे जो मैंने मेरे इस राजनीतिक कार्यकाल के अंदर मुझे करने का मौका मिला। और एक हमने बहुत बड़ा काम किया, सेनेटरी पेड की मशीन लगाकर महिलाओं को निःशुल्क दी। हमारे यहाँ जो भी काम होता था वो 365 दिन चलता था। होली दिवाली भी हमारे यहाँ नियमित रूप से काम चलते थे। उन बच्चों के जब मैं छात्रावास में जाता तो उनको सब तरह की सुविधा नगर परिषद से उपलब्ध कराई। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है वैसी सुविधाएं कोई उपलब्ध कराने की सोच ही नहीं रखता। और हमने ऐसे से सुंदर बाग बगीचे बनाए और वैसे बाग बगीचे मैंने कहीं भी राजस्थान में नहीं देखे। मंजीत सिंह जी हमारे सेक्रेटरी थे तो उन्होंने भी जयपुर में हमारे आदमियों को ले जाकर वैसे बगी मतलब बगीचे का मतलब बगीचा था। सर, जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और आप भी चुने हुए जनप्रतिनिधि के तौर पे सभापति बने थे, तो एक सरकारी तंत्र होता है उससे काम लेना आज के दौर में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल की बात हो गई है, क्योंकि उनसे कार्य करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो उनसे आखिरकार आपका कैसे मैनेजमेंट सेट होता था? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, अगर जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति मजबूत है और वो कुछ करना चाहता है और वो गलत रास्ते में नहीं जाए तो निश्चित रूप से वो कर सकता है। और अपने काम पर विश्वास भी है। हर काम ने एक नया इतिहास बनाया। वहां 5 साल के अंदर एक सड़क, एक बिल्डिंग और एक नाली हमारी बनाई हुई नहीं टूटी। एक कंस्ट्रक्शन लाइन पर हमने पूरा फोकस रखा, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से था। अधिकारियों को मेरे डायरेक्शन थे कि देखिए, अगर कोई भी सड़क टूटी या कोई भी नाली टूटी मेरे कार्यकाल के अंदर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काम मुझे क्वालिटी का चाहिए और बिना क्वालिटी का काम करने वाला ठेकेदार को मैं 5 साल तक मेरे कार्यकाल के अंदर काम नहीं करने दूंगा और उस अधिकारी के खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। ये मैंने खुला वार्निंग दे रखी थी, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जब 18 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे काम कर सकता है तो अधिकारी की भी ड्यूटी बनती है कि वो काम करे। मेरे यहाँ शनिवार रविवार नहीं हुआ करता था। हमें मालूम ही नहीं पड़ता था कि शनिवार है कि रविवार है, होली है कि दिवाली है। सबका एक लक्ष्य था। और मैं तो कहते ये बात हर जगह कहता हूं कि जब मेरे कर्मचारी को कोई पूछता था कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है तो वो एक ही बात कहता था कि डूंगरपुर दुनिया के अंदर नंबर 1 बने। ये भाव मैंने कर्मचारी में पैदा कर दिए। और जहां तक सवाल है कर्मचारियों से काम लेना, अधिकारियों से काम लेना, अभी माननीय न्यायालय ने मुझे झुंझुनू, नवलगढ़, मंडावा 3 शहर की निकाय नगर परिषद दी है। आप तीनों का पता करो, 3 महीने के अंदर वहां की गंदगी बिल्कुल जड़ से खत्म कर दी। मेरे नगर परिषद डूंगरपुर के अंदर जब मैंने सार्वजनिक टॉयलेट और मूत्रालय बनाए तो मुझे बड़ा गर्व था। मैंने उसके अंदर एयर कंडीशन लगाया। लोग पहले कहते थे कि ये नगर परिषद का पैसे का दुरुपयोग है, लेकिन जब उन्होंने वास्तविकता समझी, क्योंकि टॉयलेट में मानता हूं कि नगर परिषद का मंदिर है, अगर हम उसको साफ नहीं रख सके तो हमारा जनप्रतिनिधि होना और नगर परिषद का अधिकारी कर्मचारी होना बेकार है। मेरे टॉयलेट के अंदर कोई भी व्यक्ति मेरे कार्यकाल के अंदर अपने जूते या चप्पल पहनकर नहीं जा सकता था, उसको वो चेंज करने पड़ते थे। काश उसके जूते और चप्पल के नीचे कहीं कचरा हो और मेरा टॉयलेट, पवित्र टॉयलेट गंदा हो जाए, मैं इतना ध्यान रखता था। मेरी सड़कें जो मैं फायर ब्रिगेड से धोता था, लोग कहते थे कि नगर परिषद की फायर ब्रिगेड से सड़कें धोने के काम आ रही है।
मैं लोगों से कहता था तुम गंदे कर रहे हो इसलिए हम सड़कें धो रहे हैं। लोगों की मेंटेलिटी बदल दी हमने। लोग हमारे शहर के जितने भी लोग थे, शहर के बाहर के लोग आते थे, सड़कों पे कभी थूकते नहीं थे, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि नगर परिषद सड़क धो रही है, तुम्हारे थूक को नगर परिषद धो रही है, तो वो गंदा नहीं करते थे। और आज तीनों निकाय, मंडावा के अंदर मैं बात कर रहा था, वह निकाय है जहां दुनिया की 30वें नंबर की है, दुनिया की 30वें नंबर की, जहां पर विदेशी टूरिस्ट 2018 से पहले 50,000 आता था और अब धीरे धीरे घट के 5,000 रह गया। माननीय न्यायालय ने मुझे आदेश किए और उसी तर्ज पर मैंने काम किया है। आप वहां जाकर देखोगे तो वहां की फिजाएं बदली हुई नजर आएगी, चारों तरफ उजाला, सड़कें चौड़ी चौड़ी और गंदगी का नामो निशान नहीं, हर घर से कचरा उठना और सार्वजनिक टॉयलेट तो मेरा पवित्र स्थान है, मैंने उनको इतने साफ किए हैं, इतने साफ। और मैंने तो एक बार जब गंदे देखे पहली बार में, मैंने ईओ को अंदर बंद कर दिया। मैंने कहा ईओ साहब ये टॉयलेट तुम्हारे को साफ करना पड़ेगा, करोगे तो नौकरी करोगे, नहीं तो आ जाओ बाहर। क्योंकि हम जब तक दबाव नहीं बनाएंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता, और वो मैंने करके तटस्थ दिखाया है। माननीय गृह मंत्री जी के गृह क्षेत्र में राजस्थान का व्यक्ति गुजरात में जाकर उनके 5 आदर्श गांव में काम करे और 5 में से 3 देश के अंदर नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 आ जाए, तो ये काम बोलता है। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बाद भी उन्होंने मुझे 24 जनवरी 2019 को पूरे राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और कहा कि राजस्थान को स्वच्छ बनाओ, और मैंने उसके अकॉर्डिंगली काम करने का प्रयास किया। और स्वच्छता के बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करता हूं, स्वच्छता आजादी से भी बड़ी लड़ाई है। आज देश के 141 करोड़ लोगों को यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कह रहा है कि आपकी तपस्या में आप ही के नाम को चमकाने में कहां कौन सी कमी रह गई जो आज विधानसभा की टिकट की दावेदारी को लेकर आपको स्वयं को आपका नाम सजेस्ट करना पड़ रहा है। देखिए हमारी पार्टी का एक विशाल हृदय है और ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इसमें कुछ लोग ये समझते हैं कि ये पार्टी मेरी बबोती है, ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी के बड़े नेता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसे टिकट देनी चाहिए किसे नहीं देनी चाहिए। लेकिन जिलाध्यक्ष जी ने क्यों नहीं भेजा मेरा नाम, मैं आज भी इस बात पर असमंजस स्थिति में हूं। वो मुझे जब भी मिलते थे तो मेरे सामने एक बात जरूर कहते थे, दादा भगवान का सौगंध, तुम्हें टिकट मिलेगा तो मुंह तुम्हारे साथ हूं। ये बात मेरे को उन्होंने बहुत पहले से कंटिन्यू कहते थे। और देखिए मैं ये कहता हूं कि अगर जिलाध्यक्ष जी अगर दावेदारी रख सकते हैं तो मेरी दावेदारी भी उनको रखनी चाहिए। और जिलाध्यक्ष जी तो 5 साल वैसे भी इस शहर की बहुत सेवा कर दी उन्होंने। वो 5 साल UIT के चेयरमैन रहे, 5 साल नगर निगम के मेयर रहे और अभी 5 साल इन्होंने जिलाध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम किया। इस पार्टी में सबको काम करने का मौका मिलना चाहिए और एक विजन के साथ जुड़ती है। हर कोई व्यक्ति हर कोई काम नहीं कर सकता। मैं कई बार पारस जी की तारीफ भी करता हूं। हो सकता है उनकी और मेरे में प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि मैं कहीं आगे नहीं आ जाऊं, और हमें टेस्टेड लोगों को लाना चाहिए जिसने कुछ करके रिकॉर्ड बनाया हो, इतिहास बनाया हो। हम वापस उन्हीं को ले आए जिन्होंने खाली राज में कुर्सियां तोड़ी हो, नहीं, काम करके दिखाने वाले व्यक्ति के साथ जनता को भी होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को होना चाहिए। इसलिए मुझे मेरा नाम नहीं भेजा, मुझे कतई अफसोस नहीं है। मेरा नाम राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का हर व्यक्ति जानता है। और मुझे तो आज भी भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का NACC का मेंबर बना रखा है। मेरा मान और सम्मान तो मैं कहता हूं कि 1,000 करोड़ रुपए कमाने वाले का नहीं होता, उतना सम्मान तो मुझे आज भी पार्टी ने तो दिया है। क्योंकि आप एक तरफ उदयपुर शहर की दावेदारी भी करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान की किसी भी सीट से हमें को खड़ा कर दीजिए, मैं 100% 100% दावा करता हूं कि जीत जाएंगे। अभी तो फिलहाल आपके नाम को लेके उदयपुर की शहर की जनता ही असमंजस में हो गई है कि सर यहां से दावेदारी कर रहे हैं या नहीं। देखिए अगर पार्टी टिकट देती है, मैंने मेरी दावेदारी तो विशेष रूप से अभी जब मेरा नाम नहीं भेजा था
मैंने रखी है, ऐसा नहीं कि नहीं रखी है। पार्टी टिकट देगी, जनता मेरे साथ है। मैं 117 समाज के लोगों से मिला, सारे समाज के लोग, देखिए कई लोग बोलते हैं और कई बोल नहीं पाते, मुझे कहीं डर नहीं लगता, मुझे किसी का भय नहीं है, मुझे मेरे काम पर भरोसा है और जनता मेरे को जानती है कि ये जो भी कहेगा वो करके दिखाएगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी एक घोषणा कर रहा हूं, अगर मैं काम नहीं कर पाया तो 365 दिन होते हैं साल के अंदर, 366वें दिन मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, ये विश्वास दिला सकता हूं, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं। और पार्टी, मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि पार्टी मेरे बारे में सोचेगी, विचार करेगी। मैंने बड़े नेताओं को भी कागज भेजे हैं मेरे। असमंजस होने का, आप सागवाड़ा भी गए थे, वहां पे वोटर लिस्ट में नाम भी लिखवाने का प्रयास किया, फिर आप फिर एक बार उदयपुर की तरफ रुख कर लिया। नहीं, मैं सागवाड़ा एक्चुअल में क्या, देखिए मैं जब डूंगरपुर नगर परिषद का सभापति था, मेरे यहाँ पर 5 साल पूरे हो गए और जनरल का वहां पर जब रिजर्वेशन हो गया तो मुझे तो कहीं ना कहीं राजनीति में जुड़ना था। तो मैंने देखा कि मैं सागवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा, पार्टी के बैनर पे पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से मैं बोर्ड बना के दूंगा, लेकिन समीकरण बैठे नहीं। एकदम नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरफ आपके कार्यशैली नजर आ रही है, अगर ऐसा ही कहीं मौका मिल जाए कि एक महीने के लिए आपको उदयपुर नगर निगम संभालनी है, उस एक महीने के टाइम पीरियड में आप क्या कुछ दिखा सकते करके? देखिए उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, मैं जो कर सकता हूं, अगर मेरे पास टाइम पीरियड एक महीना हो तो मैं वो कर सकता हूं जो कोई सोच नहीं सकता। और मेरे मन में एक लालसा जरूर है कि मैं शहर की जनता को कुछ करके दिखाऊं। अब ये मौका मिलने वाली बात है और मैंने पहले भी प्रयास किए, ऐसा नहीं सरकार ने मुझे लगाया था लेकिन कुछ मेरे भाइयों ने मेरा विरोध कर दिया। और मौका अगर सरकार पुनः देगी तो निश्चित रूप से, और जनता देगी तो हम करेंगे, ऐसा नहीं। जनता अगर हमें कुछ काम करने का मौका देती है, एक महीना बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मैं सेकंडों से चलने वाला आदमी हूं, और निश्चित रूप से देखिए चमत्कार ईश्वर करेगा। मैंने कभी मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि मैं एक सिंपल सा ट्रक ड्राइवर और मैं एक वीडियो कैफे चलाने वाला व्यक्ति नगर का सभापति बनूं, प्रथम नागरिक बनूंगा, ये मेरे जीवन में मैंने नहीं सोचा था। देश का प्रधानमंत्री मेरा सम्मान करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। देश का गृह मंत्री, जो दो ताकत देश की हैं, उन्होंने मेरा सम्मान कर दिया, तो मैं ये मानता हूं कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए। इससे बड़ा सपना मैं देख भी नहीं सकता, लेकिन हाँ मेरे मन में इच्छा जरूर है कि उदयपुर में कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को वास्तविकता में लगे कि नहीं, देश की सबसे बड़ी टैक्स अदायगी करने वाली आपकी समाज है, उसको लेके आपने दावेदारी को लेकर जयपुर में एक बहुत बड़ा अधिवेशन भी किया, शक्ति प्रदर्शन भी किया। मैं पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन का अध्यक्ष हूं और मैंने भी दावा किया था कि भाई हमारे समाज को राजनीति के अंदर, राजनीति से दूर नहीं किया जाए। हमारा समाज राजनीति से काफी दूर हो गया था, तो समाज के प्रमुख लोगों ने हमसे कहा कि पूरे राजस्थान की शक्ति प्रदर्शन करनी है, तो मुझे ही कहते हो बड़ा आज गर्व है। ये सब्जेक्ट जब हमने पूरे राजस्थान के हर जिले के अध्यक्ष के सामने रखा तो आप कल्पना नहीं कर सकते, और मैं तो कर ही नहीं सकता कल्पना, कुल 1.5 लाख लोग उस महाकुंभ में एकत्रित हुए और सबने एक सुर में कहा कि राजनीति में हमारे समाज को आगे आना चाहिए। और अभी तो ये हर समाज ये मांग कर रहा है, लेकिन मेरा ये कि हम राजस्थान के अंदर 80 लाख अग्रवाल रहते हैं और हमें अगर प्रतिनिधि तो हमारे व्यक्तियों को, हमारे को प्रतिनिधि मिलता है तो निश्चित रूप से हम कुछ नया करने की क्षमता और योग्यता तो रखते हैं और वो करेंगे। 6 बार 7 बार के विधायक रहे गुलाबचंद कटारिया की राजनीति को आप कैसे देखते हो, जहां पर आपकी एंट्री होने के साथ ही आपके एक ट्री गार्ड और एक पेड़ को भी वो सुरक्षा के दायरे में लेकर देखने लग गए थे? देखिए गुलाबचंद कटारिया जी हमारे राजनीतिक गुरु भी कह सकते हैं, हमारे प्रेरणादायक भी थे, और उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम। सेक्टर 14 में आपके द्वारा बहुत सारे टी गार्ड लगाए थे, उस पर आपके नाम लिखे गए थे, लेकिन कुछ दूसरे दिन ही शायद वो हटा दिए गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हटाने वाले असामाजिक तत्व बहुत रहते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेड़ तो आज भी जिंदा है। उदयपुर को लेकर क्या विजन रहेगा, किस तरीके से आप विकास करेंगे?
क्या कुछ नया उदयपुर से अगर विधायक बनते हैं दावेदारी मिलती देखिए उदयपुर में कामों की, देखिए विकास कभी खत्म नहीं होता, विकास में रोज नए अध्याय जुड़ते हैं। मैं तो एक बात कह सकता हूं कि मैं एक साल के अंदर वो काम करके दिखाऊंगा जिसकी शहर को बहुत आवश्यकता है, और जो जिन कामों में कमियां हैं वो निश्चित रूप से उन कमियों को दूर करने का मैं 100% आपको विश्वास दिला सकता हूं। गुलाब जी के असम के राज्यपाल बनने के बाद जो बिखराव देखा जा रहा है और जिस तरीके से एक पद को लेकर लालसा करते हुए यहां पर खींचतान चल रही है, उस खींचतान में आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ की खींचतान तो वैसे पूरे राजस्थान से अलग तरह की है। गुलाब जी भाई साहब थे जब कोई बोलता नहीं था, अब तो हर आदमी ये बोलता है कि हम चौड़े रास्ते सकड़े। निगम के अंदर बहुत सारे मुद्दे गरमाए थे, चाहे वो केवड़े की नाल में गौ माता को छोड़ने का हो, गिराज के अंदर मोटरसाइकिल के पहियों पर बड़ी ट्रकों के बिल पास कराने के हो, जिलों को लेकर हो या 272 प्लॉट का मामला ले हो, जनता में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। वो हो सकता है आने वाले समय में जो भी विधायक की दावेदारी करे उनको भी उनका सामना करना पड़ जाए। अगर आप आते हैं तो जनता को क्या श्योरिटी कर पाएंगे कि जो चल रहे मुद्दों पे एक जनता के सामने सत्य आ सकेगा? देखिए मैं इतना जरूर विश्वास दिला सकता हूं कि मैं जो कर सकता हूं मैं ये मानता हूं कि वैसा कोई कर नहीं सकता, और जनता की कसौटी में तो हमें खरा उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। हम जब तक राजनीति करेंगे, मैं मेरे बारे में ये कह सकता हूं कि जनता का कोई नुमाइंदा, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई परेशान व्यक्ति हो, हमारा प्रथम प्रयास ये रहेगा कि उसकी वाजिब बातों को हम निश्चित रूप से, उसके तकलीफ को या वाजिब बातों को हम पूरा करें। और इसमें कोई संदेह नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी जनता जानती है, और हम नहीं करेंगे तो जनता स्वयं भी कर देगी, और अगर हमें मौका मिला तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अंततः क्या कहना चाहेंगे उदयपुर की जनता को, उदयपुर का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? सड़क ट्रैफिक जाम हो जाता है, अभी भी देखते हैं हम अक्सर कई जगह ट्रैफिक जाम होता है, तो ये जाम होने से और चौराहे को हमने लंबा चौड़ा कर दिया, इसमें भी बदलाव की आवश्यकता है। और भी कई काम, जैसे मैंने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, उसमें मैंने लिखा है कि उदयपुर के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होना चाहिए, एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जिसकी घोषणा पहले हो चुकी है, ये बहुत आवश्यक है, एक काया का बाईपास अभी तक चालू नहीं हुआ वो भी होना चाहिए, एक अहमदाबाद से बंबई की ट्रेन, क्योंकि अभी जो ट्रेन जा रही है उसमें काफी घूम के जा रही है, वाया अहमदाबाद जाएगी तो 11 घंटे में आदमी बंबई पहुंचेगा, तो उस ट्रेन को भी चलाने की जरूरत है। एक माननीय उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ की मांग बहुत दिनों से की जा रही है, और वो बड़ी वाजिब मांग है, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति जो ट्राइबल बेल्ट का व्यक्ति है वो जोधपुर जाता है, जयपुर जाता है, तो उसको बहुत समय लगता है, बहुत धन लगता है, तो इसके लिए न्यायालय का होना भी बहुत जरूरी है। ये मांगे भी मैंने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, ये मांगे मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी, हो सकता है जल्दी निर्णय इसमें हो। लगातार इतने साल के बोर्ड के कार्यकाल जो हुए हैं, जितना भी विकास अभी तक हाल फिलहाल हुआ है, कितने नंबर देना चाहेंगे उदयपुर को 10 में से? देखिए मैं आपको ये बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं, क्योंकि ये बोर्ड हमारा भारतीय जनता पार्टी का, सारे बोर्ड आप ही के। हाँ, और जनता ने बड़े कह सकते हैं जोश और उत्साह से ये बोर्ड बनाया है, जनता का विश्वास बोर्ड पर है, भाजपा पे है। हर आदमी का अपना काम करने का तरीका अलग अलग होता है, नजरिया अलग अलग होता है। नंबर का जहां तक सवाल है, मैं ये मानता हूं कि जो काम कर रहे हैं उनकी नजर में ये 100 में से 100 सही होगा, और मेरा तरीका काम करने का अलग है तो मेरा नजरिया अलग तरह का होगा, तो ये अपने अपने नजरिए के नंबर है। मेरे नजरिए से तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसके बारे में नहीं बोलूं तो ज्यादा ठीक है, और मेरा नजरिया आपको देखना है तो मेरे को मौका मिलेगा तो मेरा नजरिया दिखाऊंगा। आपकी एंट्री से इतना राजनीतिक खलबली क्यों मच गई है, क्या लगता है क्या इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी? देखिए किसी की दुकानें बंद नहीं होती, इनकी दुकानें बहुत मजबूत है, मेरी दुकान बंद हो गई, मैं तो ये कहता हूं, मेरे खलबली से, मेरे यहां आने से मैं ये मानता हूं कि मुझे
ऐसा लगा कि मुझे, मैंने जिलाध्यक्ष मोदी जी को कहा भी कि भैया मैं प्रदेश का स्वच्छ भारत मिशन का संयोजक हूँ, भारत सरकार ने मुझे नेशनल स्तर का सदस्य बना रखा है, आप मुझे मीटिंगों में इनवाइट करा करें, मैं आऊँगा मीटिंग में, मुझे बुलाया करें। मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है कि वो मुझसे क्यों इतनी दूरियां बना के रखते हैं, जबकि मैं तो भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने पार्टी के एक शेयर है आप लोयन है शायद, मेरे को लगता है। नहीं लोयन नहीं हूं मैं तो अपने आप को अब क्या बताऊं, स्थिति ऐसी है तो नहीं, ये मेरे से डर रहे हैं तो गलत डर रहे हैं। वर्षों की तपस्या के दबदबे को आप खत्म कर दोगे शायद, ऐसा महसूस कर रहे हो? नहीं साहब बिल्कुल नहीं, इनका दबदबा सदैव ईश्वर कायम रखे, लेकिन हाँ काम हम हमारी स्टाइल से करने का जरूर प्रयास करें। घोटालेबाज कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो सजा मिलनी चाहिए? चाहिए नहीं, देखो घोटाले तो नहीं होने चाहिए, कोई भी बड़ा नेता हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, घोटाले कभी नहीं चाहता और घोटाला होना भी नहीं चाहिए, और अगर हो गया तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये तो आम जनता की मांग है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे निर्दलीय हो चाहे कोई भी पार्टी का आदमी हो, तो ये तो इंसाफ तो होना चाहिए। वर्तमान के राजस्थान के सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए सरकार अभी जो सरकार का नजरिया है वो अपने हिसाब से, उनके हिसाब से तो बेहतरीन है, और अभी अंतिम में तो उन्होंने पूरी बोछार कर दी, चारों तरफ मैं कह सकता हूं कि जो मांगा वो पाया, और ये मैं ये मानता हूं कि जनता को, देखो जनता को अगर कुछ चीज आसानी से मिल रही है या बिना कुछ दिए मिल रहा है लाभ, तो जनता तो प्रभावित होगी होगी, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं, और ये सब समझ रहे हैं, लेकिन हाँ हमने अगर आदत ये डाल दी जनता की तो वो सम टाइम तो अच्छा होगा लेकिन आगे के लिए बहुत हानिप्रद।